वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज अपने लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट से रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोग ये थोड़ा जान लेते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है। कितनों को पता भी होगा क्योंकि जूनियर क्लासेस में अपने लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, 6-7 क्लास से ये स्टार्ट है ये सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो आगे पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वर्गमूल जो होता है ना, वर्गमूल दैट मीन्स स्क्वायर रूट, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है यानी कि रिप्रेजेंट जो करते हैं दो चीज़ों से, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। यहाँ पे दो दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है। दो चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी और ये भी, दोनों का मतलब होता है स्क्वायर रूट। लेकिन जब घनमूल की बात आती है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट, इसकी बात करते हैं तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर तीन देना नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है, जरूरी है, ये तीन यहाँ पे आप देवे करोगे। लेकिन घनमूल में दो दोगे फिर भी ठीक है, नहीं दोगे मतलब वर्गमूल में दो दोगे फिर भी ठीक है, नहीं दोगे फिर भी ठीक है। तो ये छुपा हुआ है, जैसे नॉलेज में क्या छुपा रहता है ना, लेकिन आता है तो उसी तरीके से दो छुपा हुआ है, आप दो या नहीं दो, ठीक है। इसको दो चीज़ों से बुनका नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ऐसा क्लीन है। तो या तो आप ऐसे लिखो वर्गमूल को, या तो आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। लेकिन घनमूल को केवल आप ऐसा ही लिख सकते हो, यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते हो। दैट मीन्स घनमूल में तीन देना नेसेसरी है, अब वर्गमूल में दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो का जोड़ा लगता है, घनमूल में तीन का जोड़ा लगता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने 16 लिखा, ठीक है। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर ऐसा करोगे इस टाइप का, 2 बटे 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, इस टाइप का। तो 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी आपको क्या बोले, दो छुपा हुआ है, यहाँ पे दो छुपा हुआ है, 2 को 2 है, तो 1 को 2 निकल जाएगा, पेयर लगेगा ना, जोड़ा लगेगा ना, पेयर पे पेयर तो 2 का होता है, जोड़ा लगेगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 निकलेगा, तो 2 दूना 4। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि और मतलब या 16 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 16 को आप ऐसे लिख सकते हो, 4 गुना 4 फिर भी 2 को 4 है तो 1 को 4 निकला। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 को 4 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया तो 4 हो गया। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको पसंद है वो अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो अपने लोग बात किए वर्गमूल का, ठीक है, कि जोड़ा लगेगा। और सर जिसका नहीं लगेगा तो जो मान लो देखो 8 है, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। तो 2 को 2 है तो 1 को 2 निकल गया, लेकिन ये 2 का जोड़ा नहीं निकला, तो 2 का जोड़ा नहीं निकलेगा। तो जिसका जोड़ा नहीं निकलेगा, पेयर नहीं निकलेगा, उसको रूटे में कर देंगे, कोई दिक्कत, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब घनमूल मान लीजिए पूछेगा, किसी का भी घनमूल निकाल सकते हैं, जैसे 8 का लीजिए, ठीक है, 8 का लीजिए। तो 8 का जो घनमूल निकालेंगे तो इसको भी ऐसे करके तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। फिर देखो 3 छुपा हुआ है घनमूल में, मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में, 3 देना ही पड़ेगा, इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। तो 3 को जोड़ा लगेगा, 3 को है, ठीक है, मतलब 3 को टाइप का इसमें पेयर लगेगा, ठीक है। तो 3 को है तो 1 निकल जाएगा, इस टाइप का, यानी कि 3 को रहेगा तो 1 निकालेंगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, 8 है 3 है, अब यहाँ पे 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हो, इन्हें की 2 3 6, 2 को 3 बार लिखेंगे यानी कि गुना में है, यहाँ पे है तो 1 2 3 तो 8 हो गया। फिर आप यहाँ से काट सकते हो, तो 2 हो गया। ऐसे मत काट देना, मान लो 5 है और 7 है, यहाँ पे 2 है, तो उसको ऐसे निकाल देगा, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 रहेगा तभी कटेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, देखो इसका भी रीजन है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7 होगा, तो कैसे करता है इसका, क्यों कारण है इसका, मतलब क्या कारण है इसको कटने का, क्यों कर जाते हैं, कारण क्या है। देखो ये जो होता है ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, कट जाता है। इस हिसाब से वो रूल होता है इसका, प्रीवियस वीडियो से मैंने बताया था, ठीक है, ये इस टाइप का रूल होता है, ठीक है, इस हिसाब से कट गया। तो यहाँ पे क्यों कटा, आर था, तो आर को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 3 3, तो ये कैसे क्यों कट गया, क्योंकि देखो इसको ऐसे सेट करो, 1 का पावर m, तो देखो 1 का पावर m यानी कि 2 का पावर 3, मतलब ए है यहाँ पे 2 है, m है तो यहाँ पे m है, तो इस तरीका से ऊपर जाता है, तो इस तरीका से यहाँ पे 2 है तो 3 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगा, कर गया 2 का पावर 1, तो 2 नहीं हुआ,
अब छुपा हुआ एक। अच्छा फिर अगर मान लीजिए ऐसे रहता है, कोई दिक्कत नहीं, पांच, ये पांच ऊपर जाता है, ये नौ नीचे आ जाता है, नहीं करता तो आंसर हो जाता है, इस टाइप का। आई होप कि आप समझे होंगे। ठीक है, इस हिसाब से मान लीजिए ये यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, यानी कि रूट अंडा 16 होता है तो रूट अंडा 4 का स्क्वायर, तो क्यों कटा 4, ये 2 है तो 2 ऊपर में, और यहाँ भी छुपा हुआ है तो ये भी 2 नीचे कर गया कर गया, तो फिर आगे 4 का पाप लेते 4, इस हिसाब से। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं पीछे में हल्का सा आपको लेके गया जूनियर क्लास में बताने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, एकदम ईजी है, बन जाएगा। मैंने आपको थोड़ा फिन दिया, देखो जिसको आता है वो अपना स्किप कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा तो उसके लिए मैं अभी आपको बताया। ठीक है, अच्छा इसको आप शुरू करो, देखो कितना इजी समझ जाएगा। देखो एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि बहुत अच्छा से आपका मतलब जाए ये सब क्वेश्चन, देखिए हालांकि ये क्वेश्चन तो आपको 10 नंबर का पूछेगा नहीं, ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर का आएगा नहीं, 10 नंबर का आएगा नहीं, ये सब क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, बात समझे। ये सब जो क्वेश्चन है आपको 1 या 2 नंबर का आएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं आने वाला है। तो इसमें ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, तो उतना आपको टाइम नहीं रहेगा, उसे भी एग्जाम में तो कम समय रहता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने के रहता है, तो आपको टाइम नहीं रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहूंगा, ठीक है, एक सजेस्ट करना चाहूंगा, एक सलाह देना चाहूंगा। आप लोग क्या करो, कोई किताब से या कैलकुलेटर से व्हाटएवर को कहीं से भी मदद लेके एक से लेके कम से कम की बात करें, ज्यादा से ज्यादा का तो अंत नहीं है कोई भी चीज में, ज्यादा का तो अंत नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज उठा के लीजिए, कोई भी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा का अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कम से कम की बात करें, कम से कम की बात करें, कम से कम आप 1 से लेके 30 तक का कहीं से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पक्का याद कर लेना। ठीक है, कहीं से भी कोई भी किताब से। ठीक है, एक से लेके तीस तक क्या क्या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप याद कर लेना। ठीक है, ताकि आपको इस टाइप का जो ये प्रोसेस है आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, पक्का से पक्का याद कर लेना कहीं से भी कुछ भी करके, तो उसमें क्या होगा आपको आसान होगा। जैसे देखो 25 का स्क्वायर, तो आप फालतू में गुना करोगे, क्यों करोगे, अब तुरंत याद करो 625, फिर आपको इसका उल्टा करो, वो 625 पूछेगा तो आप तुरंत बोल दो यहाँ पे 25, ऐसे कितना आसान हो जाएगा आपको 1 से लेकर 30 तक फिलहाल में याद करना। आगे आप कितना भी याद करो आपका अपना मर्जी, अच्छा कम से कम की बात के 30 तक पक्का याद कर लेना, देखो तुरंत बन जाएगा। जैसे याद रहेगा तो इतना आपको नहीं माथा पीछे करना पड़ेगा। अब लखनऊ खींचो कैसे करके, मतलब जो क्यूब रूट है वो दे हुए, एक है तो एक दो। अब देखो आपको याद रहेगा डायरेक्ट आपसे आपके साथ कर दोगे, टेंशन वाला कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट क्यों साथ हुआ, आपको नहीं याद होगा तो देखो आप इतना आप करोगे, आपको मान लीजिए नहीं याद होगा तो देखो इतना आप प्रोसेसिंग करोगे, आपको अगर नहीं याद होगा तो इतना आपको करना पड़ेगा। देखो ऐसे करके ये इस टाइप का 343, फिर यहाँ पे एक जोड़ आप 343 को आप डिवाइड करोगे, इस टाइप का आप डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, किससे करता है ये वो दिस डेट, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 7 से काटोगे, तो आप इसे करके लिखोगे 7 गुने, फिर 7, तो फिर आप ऐसे लिखोगे, फिर 3 1 जोर, फिर 3 है तो 3 गो का जोड़ा लगेगा, मतलब 3 गो रहेगा तो कहने का मतलब 1 निकलेगा। ये आपको नहीं लगता है ज़्यादा समय लग गया, याद रहेगा तुरंत में बन जाएगा। देखिए हमको याद था तो तुरंत में मान लिए, कैसे 343 को हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी है ही है क्योंकि क्यूब रूट है। ठीक है, कर गया कर गया डेट के साथ, तो इतना फायदा हुआ आपको याद करने का। डेट कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 को आपको याद करने का 2 हो गया आंसर। ये समय अभी बताया हूँ, प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। बिना प्रोसेस का कितना हो गया 1 2 3, 3 ही लेन में बन गया, 3 4 लेन में आपका बन गया, ये कितना फायदा हुआ ये आपको। इसलिए थोड़ा आप याद करिएगा ना तो तुरंत में बन जाएगा आंसर, खत्म फिनिश। मन में भी आप कर सकते हो कि देखो एक जो इसका क्या निकलेगा 7 7 1 8, इसका क्यूब रूट करना है, 8 का 2 गुने 2 गुने 2 होता है, एग्जैक्ट मतलब तुरंत बना सकते हो, सेकेंड होने लगेगा आपको बन जाएगा। हालांकि मजाक किए ऐसे थोड़ी होता, सेकेंड होने लगेगा, मेरे कहने का भावना समझिए। ठीक है, चलिए शब्दों पर नहीं ध्यान देखिए, भाव पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।